बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जाने भी और देखते हैं ये कौन साहब हैं, कहाँ से हैं और क्या फरमा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू डॉक्टर साहब, मैं तलहा रहमान बात कर रहा हूँ कराची से। और मैं बड़े अरसे से जब आपकी टीवी पे आया करते थे, एक प्रोग्राम आता था, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, किसान करके, किसान टाइम, उस से मैं आपका प्रोग्राम देखता आ रहा हूँ जब आप क्लीन शेव हुआ करते थे। और माशाल्लाह आपको बारिश देख के सुन्नत नबवी के साथ देख के बड़ी खुशी होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ी दुआ है कि अल्लाह आपको बड़ी लंबी उम्र ईमान के साथ, सेहत के साथ, आफियत के साथ अता फरमाए। और अभी अभी मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिसमें एक लाहौर से भाई ताजियत कर रहे थे आपके भाई की इंतकाल के ऊपर, तो मुझे बस अभी ये चीज पता चली, तो मेरी भी बड़ी दिल की गहराइयों से दुआएं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके भाई की जो आगे की मनाजिल हैं वो आसान फरमाए, उनके लिए अल्लाह ताला दरगुजर वाला, आफियत वाला, मफरत वाला मामला फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो नुकसान आप लोगों का हुआ है, बड़ा भाई बाप की मानिंद होता है, और यकीनन चाहे भाई बड़ा हो, छोटा हो, बहन हो, इन रिश्तों का कोई नेमुल बदल नहीं है। माँ बाप भी, मतलब ये सारे रिश्ते ऐसे हैं कि कोई इनकी जगह नहीं ले पाता। तो बस ये है कि अल्लाह ताला आप सबको सब्र जमील अता फरमाए, और सब्र के करने पे अल्लाह ताला सबको अजर अजीम अता फरमाए। बहुत सारी नेक तमन्नाओं और दुआओं के साथ आपका छोटा भाई तलहा कराची से। माशाल्लाह तलहा जी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, ताक़यामत रखे, और जो नेक जज्बात और एहसासात हैं वो यकीनन काबिले क़द्र हैं। बड़े बड़े भाई जो मुझसे इमीडिएट बड़े थे और हम में दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने कराची से ही आपकी एनईडी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और आर्मी में उस वक्त उनको कमीशन मिला था, और 71 की वार भी 6 मजौड़ियाँ पे उन्होंने लड़ी थी। बहुत नफीस इंसान, बहुत प्यारे, ये नहीं मेरे भाई थे, बहुत शफीक, नाम भी शफीक और दिल के भी शफीक। अब भी उन्होंने, उनकी सारी औलाद, सारे बच्चे डॉक्टर्स, बेटियां डॉक्टर, उनके दामाद डॉक्टर, बेटा डॉक्टर जो अमेरिका में है, वो अभी साथ आया, अमेरिका में थे फिर वापस आ गए। कुल्लू मन अले हफान, किसी ने भी यहाँ नहीं रहना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ एक दिन हर एक ने हाजिर होना है। और बस दुआओं में याद रखें, अल्लाह ईमान के साथ इस दुनिया खात्मा बिल ईमान हो, और अल्लाह ताला जो छोटे मोटे जो भी गुनाह है, सगीरा और कबीरा, सब माफ फरमाए, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज अमान में रखे। दुआओं के लिए अर्ज, आज मेरा इतना मकमूम, यकीन करें मैंने सोचा कि लोगों के जो एमरजेंसी प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन तो वो दे रहा हूँ, ये तो आपकी मैसेज जो वो सिर्फ ताज़ियत का था, इसलिए मैं पहल में आपका मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। फ़ी मल्ला।